हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मर्सिडीज जो कि एक लग्जरी व्हीकल ब्रांड है उसका नाम मर्सिडीज कैसे पड़ा? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट थे वो सबसे पहले किस ऑटोमोबाइल ब्रांड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों, जानते हैं कि जो ये ऑटोमोटिव वर्ड है ये आया कहाँ से? सो ऑटो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से जिसका मतलब होता है सेल्फ, और मोटिव लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से जिसका मतलब होता है ऑफ मोशन, मतलब सेल्फ पावर्ड व्हीकल। और उसके बाद वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया ऑटोमोबाइल 1898 में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हमारा देश भारत 2010 में कोरिया, कनाडा और स्पेन को ओवरटेक करके वर्ल्ड का 5th ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर बन गया, और 2018 में जर्मनी को ओवरटेक करके वर्ल्ड का 4th नंबर का ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर बना। फैक्ट नंबर 2, रोल्स रॉयस, जिसके फाउंडर चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस थे। रोल्स रॉयस ने अपनी एक व्हीकल अनवील की जिसका नाम था स्विफ्ट टेल, जो कि हैंड टेलर्ड व्हीकल थी, और उसका प्राइस जो था वो $12.8 मिलियन था। 2017 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड थी। सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जो है वो हांगकांग में पाई जाती है, इसीलिए हांगकांग को द सिटी ऑफ रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम ड्राइव करते हैं हमें उस टाइम फोन यूज नहीं करना चाहिए, और एक टिपिकल एक्सीडेंट हो सकता है विद इन 3 सेकेंड जब भी कोई उसका ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है, और ये एक्सीडेंट के चांसेस 23 times बढ़ जाते हैं जब ड्राइवर ड्राइव करते टाइम टेक्स्ट किसी को करता है तब। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में जब भी हम कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसमें से हर 100 रुपए में से 56 रुपए जो है वो जाता है गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ वेरियस टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस। सेम जब भी हम कोई लग्जरी कार परचेज करते हैं तो उसमें से 82 रुपए जाता है गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। फैक्ट नंबर 5, ये 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कैबिनेट ने प्रस्ताव रखा इंडिया में पीपल्स कार लाने का, और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो संजय गांधी जी को दिया गया। संजय गांधी ने सुजुकी से बात करने से पहले यहाँ पे वोल्क्सवैगन ईजी से बात की। उन्होंने डिमांड की कि उन्हें इनकम्प्रेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन वर्जन वाला व्हीकल चाहिए, जो कि मतलब उन्हें भी जो वोल्क्सवैगन थी उस ब्रांड को भी पहचान दे सके, ग्लोबली सक्सेस जो है वो उसके रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन वोल्क्सवैगन ईजी के रिस्पॉन्स से पहले ही सुजुकी ने रिस्पॉन्स दिया, और उसका जो डिज़ाइन था काफ़ी फिजिबल था, जिसके बाद में सुजुकी के ही एक मॉडल 796 को रीराइट किया और वो कहलाया मारुति 800, जो कि 1984 में इंडिया में लॉन्च किया गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि US में हर व्यक्ति हर साल लगभग 38 आवर्स ट्रैफिक में बिताता है? रशिया में भी एक ऐसा अजीब सा रूल है, रशिया में अगर कोई भी गंदी कार ड्राइव कर रहा है तो वो वहाँ पे इलीगल माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा मोटर्स ने लॉन्च की जिसका नाम था टाटा नैनो। ये जो व्हीकल थी वो अपने लुक्स और अपने कंफर्टेबल प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी लोगों में, जिसकी वैल्यू थी 1.4 लाख रुपीज। फैक्ट नंबर 8, 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं उनमें फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना, सेकंड पर आता है US, थर्ड पर आता है जापान, और फोर्थ पर आता है हमारा देश भारत। फैक्ट नंबर 9, मर्सिडीज ऑटोमोबाइल सबसे पहले ट्रेड की गई ईयर 1901 में डैमलर मोटर एंड जेसेलशेफ के थ्रू। एमिल जेलनेक, जो कि डैमलर मोटर एंड जेसेलशेफ मतलब DMG कंपनी के साथ काम करते थे, एमिल जेलनेक जो कि बहुत वेल्दी यूरोपियन ऑटोमोबाइल एंटरप्रेन्योर थे जो कि वर्क करते थे DMG के साथ। DMG वही कंपनी थी जिसने सबसे पहले मर्सिडीज को ट्रेड किया था। एमिल जेलनेक ने 1902 में ट्रेडमार्क क्रिएट किया अपनी बेटी मर्सिडीज जेलनेक के नाम पे। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों बहुत से लोग सीरियस एक्सीडेंट होने के बाद भी सर्वाइव कर पाते हैं सीट बेल्ट के कारण। 3 पॉइंट सीट बेल्ट को इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट जाता है वोल्वो कंपनी को। वोल्वो ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो अपने व्हीकल में इंट्रोड्यूस भी कराए, साथ ही साथ कोई भी चार्जेस के बिना अदर व्हीकल ब्रांड्स को भी उन्हें कॉपी करने दिया, जिससे कि वो एक सेफ्टी एज अ सेफ्टी इक्विपमेंट अपने व्हीकल्स में ऐड कर सके। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू।